गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे, अपन भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अभी हमें तपोवन रिसोर्ट और जगह कौन सी है अभिषेक भैया? गोपेश्वर चमोली। और यहाँ से बद्रीनाथ कितने किलोमीटर? 75-80। और अब हमने लेयर्स पे लेयर्स पहन ली, इसके ऊपर मैं एक जैकेट और पहनूंगा। और सब ने इतनी लेयर्स पहनी है ना, क्योंकि यहाँ से होगी असली ठंड चालू। यहाँ से हाथ पैर जमना चालू होंगे और बड़ी मुश्किल से ठंड रुकने वाली है, क्योंकि इतनी लेयर्स के बावजूद, इससे ज़्यादा लेयर्स पहनेंगे तो बाइक चलाने में कंफर्टेबल होंगे नहीं, और इतनी लेयर्स के बावजूद भी इतनी ठंड रुकने वाली है नहीं। तो बस अभी अब क्या है ना, अभिषेक भैया और मैं होंगे मेरी बाइक पे, ये राहुल भैया, ये अभिषेक भैया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अब सारा जो लगेज है वो आ गया बुलेट पे, और राहुल भैया बुलेट चला रहे हैं, और मैं और अभिषेक भैया स्विच करके हिमालयन पे बैठेंगे और चलाएंगे जो भी होगा। तो आज का कोई और स्टॉप नहीं होगा, सीधा बद्रीनाथ ही रुकेंगे कभी जरूरत पड़ेगी। मेरे पीछे क्या क्या बात होगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो। नहीं वो बोल दिया है मैंने, जरूरी नहीं है स्विच करके चलाएंगे नहीं चलाएंगे। मुझे मालूम है आप चलाने तो दोगे नहीं, इसलिए है ना। तो अब आज का जो स्टॉप होगा वो सीधा बद्रीनाथ होगा। हो सकता है बीच में कोई एक आधा सुसु पानी के लिए, ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाकी तो अब कंटिन्यू करेंगे। शाम को हम बद्रीनाथ के दर्शन कर लेंगे आज। तो एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट चलते हैं बद्रीनाथ, निकलते हैं रास्ते में। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में हम निकल जाएंगे। 8:30 बज रही है, यानी 9 बजे से पहले पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस अपन निकल रहे हैं यहाँ से। ओ बाबा रे बाबा, इतनी भयंकर सर्दी है ना कि मज़ा भी आ रहा है और सजा मिल रही है। और अभी बज रही है 8:52, मैंने बोला था 9 बजे से पहले पहले निकल जाएंगे। तो बस निकलते हैं और वादियाँ देखो आप। तो अपन है ना अभी बद्रीनाथ तक पीवी ही करेंगे, नहीं पीएमवी, पिलियन मोटर व्लॉगिंग। तो देखते हैं चलो क्या होता है। हाँ मज़ा तो आ रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ना वैसे वैसे थोड़ी गर्मी आएगी, लेकिन क्योंकि थोड़े हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो मौसम वैसे भी ठंडा ही रहेगा। उत्तराखंड इज़ अ प्लेस वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडस्लाइड हैपेंस, इसलिए कभी भी आओ तो ध्यान रखो, जल्दीबाजी ना करो ओवरटेक करने में भी, क्योंकि कई जगह है जहाँ रोड पर पत्थर पड़े होते हैं। तो हम लोग यहाँ रुके हैं अभी थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ से दिख रहे हैं हिमालय। क्या व्यू है, व्हाट अ व्यू ब्रो, व्हाट अ व्यू। बीच में गंगा नदी, इधर पहाड़, इधर पहाड़, पीछे सामने वो राहुल भैया हाय बोल रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ तपोवन रिसोर्ट से कुछ 10 या 15 किलोमीटर आगे आके रुके हैं, और सामने जो ग्लेशियर दिख रहा है ना, दिखाता हूँ एक सेकेंड आप लोगों को, अगर ये खिड़की खुलती होगी तो। सामने जो ग्लेशियर दिख रहा है ना उसकी एक स्टोरी है, वो अभी अंकल सुनाएंगे, तब तक आप है ना एक व्यू एंजॉय कर लो। वो रहा वो ग्लेशियर। जो आपके बिल्कुल पूरब में पड़ता है वो कागभूषणी रेंज के अंदर आता है, और ये पहाड़ियाँ तीनों जो पीक आपको नज़र आ रही है, सबसे राइट में हाथी है, मध्य में घोड़ा है, और सबसे बाएं पालकी है। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा स्लोगन है, हाथी घोड़ा पालकी जय बोलो बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल की। बाएं तरफ ब्रह्म कमल पहाड़ है और दाहिने तरफ पंख, गरुड़ पंख, उड़ता हुआ पंख की पहाड़ियां हैं, इसलिए इसको, इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम पाखी है। पाखी। और उस सामने माउंटेन का नाम क्या है? माउंटेन का नाम हमने आपको बताया, हाथी घोड़ा
पालकी। ओके, और आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह भंडारी है। प्रताप सिंह भंडारी। और बहुत बढ़िया लगा अंकल से मिलके भी। तो बस हमने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया है और देखते हैं, खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी ना एक स्पॉट मिला है इधर नीचे जाने के लिए, तो सोचा क्यों ना एक दो अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक कर ले। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, क्योंकि अच्छी अच्छी पोस्ट और रील्स सब आने वाली है। अभी तो मुझे ऑन द गो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हम बद्रीनाथ में 2 या 3 दिन रुकेंगे, तब मैं सोच रहा हूँ एक साथ सारे ब्लॉग रील्स और फोटो वगैरह एडिट करके अपलोडिंग कर देंगे। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, आप जाके फॉलो कर लेना प्लीज़। ये स्पॉट बढ़िया मिल गया मेरे को बैठने के लिए, यहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह, और यहाँ बैठे बैठे व्लॉग करने में और व्यू एंजॉय करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बस अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं और कुछ खाते हैं और फटाफट निकलते हैं। विद इन 2 to 3 hours हम लोग बद्रीनाथ में होंगे, तो जैसा भी होता है आपको अपडेट देते हैं, चलते हैं। खराब पहचान है ना, यहाँ से पूरा रोड खुदा पड़ा है। ओए, हाँ अभिषेक भैया, हाँ वो तो भैया पता नहीं कौन सा पेट्रोल डलाया है इस बार बुलेट में, ना तो राहुल भैया मिलते थोड़ी देर तक और ना ही अभिषेक भैया मिलते, जो जो बुलेट चला रहा है वो पता नहीं क्या चला रहा है आज। अपन चले टनल के अंदर। इस वजह से रोड बहुत खराब हो गया और मुझे पड़ेगा उतरना और अभिषेक भैया के पीछे भागना। ओह मजा आ रहा है लेकिन भागने में भी। ऊपर 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 ये वाला कब पूरा कर लो। चलो बैठते और निकलते। तेरी भैंस की यहाँ चलो। ओए हो राहुल भैया को इतनी चूल हो रही ना, मैं आगे जाऊँ और ये निकले बस। हल्का सा एक एरिया मिलना चाहिए बाइक जितना, ये ठर करके पकड़ लेते सीधा बुलेट का एक्सेलरेटर। बुलेट नहीं, उन्होंने बकरी बना रखी है। बकरी के जैसे कान मरोड़े ना वो कैसे भागती है, वैसे बुलेट बनाती है उन्होंने बकरी, टंग करके ऐसे पकड़ते और बड़ करके निकल जाते हैं। चलो कुछ 40 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से बद्रीनाथ, फिर वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। अभी अपन रुके जोगी वाटरफॉल्स पे और पीछे क्या सीन आ रहा है ना। चलो अच्छा ना, जूते वाटरप्रूफ है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। चलो चलो चलते। अरे वाह, अरे बाबा यहाँ तो मज़ा आ रहा है, पानी की बारीक बारीक छींटे आ रहे हैं ना, बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ठंडी, मज़ा आ रहा है। एक काम करते हैं पानी भी पी के देखते हैं। ग्लेशियर का पानी ट्राई करेंगे अपन, मतलब हालांकि पानी का कोई टेस्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, मज़ा आया, अच्छा लगा। तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे पिलियन में व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप मेरे ही पीछे एज ए पिलियन बैठे हो। एज अ राइडर तो मैंने आपको व्लॉग करके दिखा दिया, आते समय और दिखा दूंगा, लेकिन एज अ पिलियन भी तो पता चलना चाहिए ना। और दूसरी बात क्या है ना, अभिषेक भाई मुझे गाड़ी चलाने को दे ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने जिद करके बोल दिया है कि लास्ट के 10 to 15 kilometers मैं चलाऊंगा बद्रीनाथ। जब मैंने बोला है घर से कि मैं ही लेके जाऊंगा गाड़ी, तो एटलीस्ट वहां तो मैं लेके जाऊंगा। रोकने के लिए बोल रहे हैं अभिषेक भाई, यहां से देखेंगे सीन क्या हुआ। वापस क्यों जा रहे हो? ओहो चाय पियेंगे, चलो भाई चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ से कुछ 40 किलोमीटर दूर है और सोचा क्यों ना चलो दोनों बाइक में फ्यूलिंग भी करा ली जाए, तो अपन फ्यूल अप करते हैं और चलते हैं यहाँ से भी। अभिषेक भैया ने हमको रोका है एक जगह पे, मतलब जो लास्ट पेट्रोल पंप वाला स्टॉप था उससे कुछ 7 kilometers आगे, बोले एक बहुत ही शानदार स्पॉट है, मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। अब क्या है बता तो नहीं रहे और लेके जा रहे हैं और शायद स्पॉट दिख गया। आई थिंक दिस इज, नीचे जा सकते हैं। This is
the Prayag which was hampered by the cloudburst in Uttarakhand, the latest cloudburst in Uttarakhand. Oh. You can see this Dharamshala has been demolished and you can find flood marks all over the place. ये आपको हर जगह देखिए. अच्छा अभिषेक भैया, आपने वेलकम मूवी देखी है फर्स्ट वाली? ये धर्मशाला उसके जैसे नहीं लग रही, सबसे लास्ट में आती है. अभी वैसी ही है. हाँ, पहले ये एक स्टे था. इट वाज अ गुड स्टे बट राइट नाउ इट हैज बीन खत्म. आज तो जगह पे जगह घुमाए जा रहे हैं, बताते भी नहीं है, सरप्राइज रखने की बहुत अच्छी और बहुत बुरी दोनों आदत है. चलो एक बार अपन देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं कौन सी जगह है और क्या है. वैसे ये गंगा नदी नहीं है, ये अलकनंदा है. और मंदाकिनी और ये गंगा माता जो रिवर है, एक सेकेंड, ये बहुत स्टीप है, वो सब आगे देवपराग में मिल जाती है. तो तीनों जो है एक आगे चल के होती है, यहाँ से सब स्प्लिटेड है अलग अलग. अच्छा दो नदी एक साथ आ रही है? हाँ अभिषेक भैया, दोनों एक साथ आ रही है, दोनों एक ही है. किधर से? ग्लेशियर से. अच्छा ये जो इस साइड से है ना, ये बद्रीनाथ से आ रही है, और ये जो है ये इधर ऊपर से ग्लेशियर्स में से कहीं से आ रही है. अच्छा ये जो इस साइड से बद्रीनाथ से आ रही है जो, ये है मंदाकिनी, और ये जो ये किस तरफ से आ रही है? ये कुछ ग्लेशियर्स हैं और का नाम मैं भूल गया, इट इज कोई ताल है, एक ताल है. नैनीताल? नहीं, इट इज़ अ ताल. ताल मतलब एक लेक होता है. अच्छा, तो लेक से आती है ये मंदाकिनी और अलकनंदा, और आगे चल के गंगा, तीनों नदी एक हो जाती है. अब है ना अपन उधर नीचे चलते हैं, एक बार पानी देखते कैसा है. बहुत नीचे नहीं जाएंगे, बहुत आगे, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है पानी और हाइट दोनों से. अभिषेक भैया को चुल मची कि हम सब लोग जूते खोल के ठंडे ठंडे पानी में पैर डालेंगे, तब सबके जूते खुलवा दिए. उधर राहुल भैया को बहुत जोर आ रहा है जूते खोलने में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है. एक बार ठंडे पानी में पैर डाल के देखते हैं कैसा लगता है, कैसा फील होता है. वैसे है ना पत्थरों में पैर रखने के बाद भी इतने ठंडे लग रहे हैं, इतना ठंडा लग रहा है ना, मज़ा भी आ रहा है और सर्दी भी लगने लग गई. बहुत ठंडा पानी है. अच्छा अभिषेक भैया एक चीज़, दोनों पानी का टेम्परेचर अलग है? हाँ, होना तो चाहिए. हाँ, वो ग्लेशियर से आ रहा है? नहीं, ये भी ग्लेशियर से आ रहा है. हाँ, ये छोटी दूर से आता है, वो बहुत दूर से आता है. तो वो बहुत ठंडा होगा, ये ज़्यादा ठंडा होगा. अच्छा ये तो फिर ये तो ठंडा लग ही रहा है. देखो पैर डाल के देखा तो पानी पाँव का टेम्परेचर पता चला नहीं, पाँव हो गया सूना. नहीं 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 अभी तक तो सही है. हाँ हाँ ठीक है, यहाँ जाओ. ये रुका हुआ पानी है ना, तो ये बहुत ठंडा है. हाँ, वो बहता हुआ पानी इसलिए इतना ठंडा नहीं लग रहा है. अरे राहुल भैया क्या कर रहे हो, जूते उतारो ना, पैर सुन लो. गए आराम से, आराम से. ये क्या कैसा लगा? दो मिनट रुको, दो मिनट. नहीं, दो मिनट रुको, दो मिनट रुको, पैर सुन हुए? अरे हो गए. आप रुको, नो. मजा आ गया.